सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की नई भर्ती के बारे में और आप सभी को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपकी भर्ती के संबंध में, क्योंकि कुछ जानकारी काफी ज्यादा स्प्रेड की जा रही है यूट्यूब पे, जिसमें आप सभी को टेंडर वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको छोटा छोटा बीच में से काट के दिखा दिया जा रहा है कि देखो ये टेंडर है आरपीएफ के बारे में, ये बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल की ये टेंडर जारी हुआ है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, लेकिन किसी के पास पूरा नोटिस या नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में आप सभी को ईच एंड एवरीथिंग में आप सभी को दिखाऊंगा कि कितने कैंडिडेट के लिए जारी हुआ है, क्या सिलेबस वगैरह उसमें, क्योंकि जब कोई टेंडर जारी होता है तो उसका एक पूरा नोटिस जारी होता है, वही नोटिस में आप सभी को दिखाऊंगा और उसकी रियलिटी आप सभी को क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें आरपीएफ के सिलेबस में भी कुछ चेंजेस बता रखे हैं, काफी सारी चीजों में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको सारी चीजें वहां पे दिख जाएंगी। तो आपको हर एक चीज में इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी जल्द से जल्द यहां पे आने वाली है, ऑलरेडी आप सभी को पता है। इससे पहले मैं आप सभी को सिर्फ एक चीज कहता हूं कि अपनी तैयारी पे फोकस करो, और इसके लिए तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2700 प्लस फैक्ट के साथ आप सभी को सार संग्रह नाम से ये बुक मिल जाती है बाय खान सर, सामान्य अध्ययन की, जिसमें 1992 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, और इसे रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसी तरीके से आपको रीजनिंग की बुक मिल जाएगी जो कि सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, जिसमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे टीसीएस पीवाईक्यू। इसी में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, जिसमें 10000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे 1996 से लेकर अब तक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। इन तीनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, और इन सभी बुक से आप अपनी आरपीएफ की तैयारी, रेलवे ग्रुप टी डी की तैयारी या एएलबी टेक्नीशियन की भी तैयारी कर सकते हैं, तो सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक यहां पे रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को चीजें क्लियर करते हैं, तो देखो आप सभी ने कुछ इस तरीके का नोटिस देखने के लिए मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना यहाँ पे बीच में से इतना एडिटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी को दिखाया जा रहा है एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द ऑल अदर रिलेटेड सर्विस फॉर सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ रूल्स बेहतर ऑफ आरपीएफ रूल्स 1987 ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट वैकेंसीज नोटिफाइड बाय द जोनल रेलवेज, यहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको मैं ये पूरा नोटिस दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, देखो मैंने आप सभी को एक डिटेल नोटिस दिया था जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेबस होता है, हर एक चीज, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह हर चीज मैंने आप सभी को नोटिस में बताई हुई थी, और उस नोटिस को मैंने आप सभी को दिखाया भी था, उसके साथ वीडियो भी बनाई थी। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है कि उसे सिर्फ कंटेंट के लिए गलत तरीके से यूज करके बच्चों को दिखा दिया कि ऑफिशियल नोटिस नहीं है, फेक है। भाई ऑफिशियल किसी ने कहा नहीं है, तुम्हारी गलती है कि मतलब जो यूट्यूबर्स हैं मैक्सिमम उन वो इतने मंदबुद्धि हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि जो ऑफिशियल नोटिस होता है वो किस स्टैंडर्ड में जारी होता है, और कोई भी एक डिटेल नोटिस होता है जिसे किसी के द्वारा क्रिएट किया गया हो वो किस स्टैंडर्ड में होता है। अगर भाई किसी भी एक वेबसाइट के नोटिस को, यानी जो डिटेल्स दी हुई है उसे तुम ऑफिशियल नोटिस समझ लेते हो तो तुम कितने बड़े टीचर हो, ये इसी बात से पता चल जाता है। मतलब तुम्हें एक नॉर्मल सी चीज नहीं पता तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हजारों रुपए के कोर्सेस बेचे जा रहे हैं इसी चीज पे और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि रियलिटी में उन्हें एबीसीडी नहीं पता। इवन मैं इतना ही कहूंगा, अगर आरपीएफ की दो बार लगातार फुल फॉर्म उन्हें स्पीड से पूछ ली जाए तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपने आप को महान टीचर बताते हैं और बच्चों को लगातार बेवकूफ बनाते हैं। और इसी तरीके से मैं आप सभी को लगातार बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से दूर रहना है जिन्हें खुद नहीं पता, यानी ऑफिशियल अनऑफिशियल में जो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, जो अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ऑफिशियल लग रहा है लेकिन मैं एक बार को परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था सही है या गलत है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो खुद ही क्या करते हैं कि खुद ही बोलेंगे कि ये ऐसा है, फिर उस पर खुद ही सफाई देंगे कि ये गलत है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और इससे आपको दूर रहना है। और मैं आपको जो भी चीजें हैं वो क्लियर बताता हूं कि मैंने जो आपको लास्ट वाला भी नोटिस बताया था उसमें मैंने क्लियर बोला था कि ये जो डिटेल्स हैं वो एज पर नोटिस जो आपकी आती है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी डिटेल्स आप सभी को बता रहा हूं। अगर आपको वो नोटिस चाहिए और आपसे उससे डिटेल्स चेक करना चाहते हैं
तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप आरपीएफ की हर एक चीज को चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होती है। अब इसके बारे में लौट के आते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखो पूरे यहाँ पे पूरा ही नोटिफिकेशन आप सभी को दिखा देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, वो टोटल 80 पेज का, पहली बात इतनी छोटी सी पेपर कटिंग नहीं है कि कहीं से पेपर कटिंग उठाई हो, पूरा ही नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि टेंडर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। अब टेंडर के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता तो है नहीं, क्योंकि आप सभी को बता दें कि ये जो जारी है ना वो डीपीसी है। अब मैक्सिमम को तो डीपीसी का मतलब ही नहीं पता होगा, जो वीडियो बनाते रहते हैं उन्हें नहीं पता कि डीपीसी होता क्या है, लेकिन उन्हें सिर्फ इतनी चीज कहीं से भी पेपर कटिंग मिल गई या कुछ भी मिल गई, उसी के पीछे पूरा बवंडर मचा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये आपका जारी हुआ है आरपीएफ की तरफ से, जो कि एक टेंडर डॉक्यूमेंट है, जो भी किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से एक एजेंसी को हायर किया जाता है, तो उसी के लिए ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे केवल सब इंस्पेक्टर है, यहाँ पे कहीं पे भी कांस्टेबल जैसा वर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, और जब कांस्टेबल इसमें है ही नहीं तो कांस्टेबल के लिए हो कैसे सकता है, ये केवल सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के लिए है, ये कांस्टेबल के लिए नहीं है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि केवल सब इंस्पेक्टर के लिए है। दूसरी चीज, यहाँ पे हर एक चीज आप सभी को दी गई है, आप यहाँ पे हर एक चीज देख सकते हैं। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आप सभी को कुछ डिटेल्स भी और भी देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि 6/12/2023 इसकी लास्ट डेट है, वो भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो, उसमें भी यही बताया गया था 6/12/2023 है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो टेंडर है वो 15/11/2023 को जारी हुआ था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ईमीडी वगैरह जो आपकी रहती है वो सारी चीज इसमें दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें और है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दे रखा है, तो इन्होंने कहा है सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर, यहां पे रूल एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं, साथ ही में टोटल और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी दे रखे हैं 8767। तो आप एक चीज बताइए, सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट वैकेंसी आती है तो उसके लिए पहले से कैसे डिसाइड हो सकता है कि 8767 कैंडिडेट ही एग्जाम में बैठेंगे, इन्हीं का यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि एक्चुअल में ये है कैसा, इसे ईसीए बोला जाता है, जो ये जारी हुआ है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को जो हायर करने का प्रोसेस है, यहाँ पे आप सभी को चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ था, सिलेबस भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन इसका दे रखा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, जिसे डीपीसी बोला जाता है, यानी कि 8000 कुछ जो कैंडिडेट हैं वो डिपार्टमेंटल यहाँ पे प्रमोशन होने हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन करवाने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आप सभी को दे रखा है कि इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे बोर्ड टू कंडक्ट ए सिलेक्शन फॉर सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं 87 वाले। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ऐसे लोग जो कि इससे लोअर वाली पोस्ट पे हैं, जिसमें जैसे कि कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं एंड एएसआई हैं, उन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई कैंडिडेट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स, इट इज ए पैन इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड द असेसमेंट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, फर्दर रिटन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टू बी कंडक्ट बाय हायर एजेंसी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये जो आपका टेंडर जारी किया गया है, वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, जिसमें टोटल ऐसे 8767 कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि हायर एग्जामिनेशन को, हायर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं डिपार्टमेंटल, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर से नीचे आरपीएफ में तीन पोस्ट होती हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये सभी एएसआई के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और इसी के लिए टेंडर जारी हुआ है, ना कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए। लेकिन लोगों ने एक अलग ही बवाल यहां पे मचा के रखा था, और इसे बार-बार सभी के सामने भेजा जा रहा था। इवन मैं कहूंगा एक से एक बड़े से बड़ा चैनल इसके ऊपर वीडियो बनाने में लगा पड़ा है, जबकि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी पीडीएफ मिली जिसमें कुछ जानकारी दी गई थी, उसी के बेसिस पे उसे इवन
सब इंस्पेक्टर का छोड़िए, जबकि उसमें सब इंस्पेक्टर दे रखा उसके बाद भी उसमें कांस्टेबल का बताए जा रहे हैं, जबकि कांस्टेबल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया हुआ था, सिलेबस मुझे अभी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैंने इसमें यहाँ पे चेक किया था, उसमें बताया हुआ है 80 क्वेश्चन, जबकि आप सभी को बताया आरपीएफ कांस्टेबल एसआई योग का एग्जाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन, और इसमें कितने होने वाले 80 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं डीबीसी चेयरमैन आप सभी को बार बार देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये जो टेंडर वाली कथा बांची जा रही है सभी के द्वारा ये पूरी तरह से फर्जी है, कोई उसका मतलब नहीं है, और जो बताया जा रहा है वो पूरी तरह से फॉल्स जानकारी है, गलत जानकारी है, गलत सूचना है, क्योंकि ये जो नोटिस है टेंडर नोटिस वो डिपार्टमेंटल एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए है। और मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट तरीके से डिपार्टमेंटल कॉन्फिडेंशियल तरीके से चल रहा है, और वो कितना भी जोर लगा ले ऐसे लोगों को वो नोटिस मिलने वाले नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ चीजें और आपको क्लियर करूं, तो उससे पहले आप सभी को पता होगा कि 10 अक्टूबर में आपका एक नोटिस जारी हुआ था, और इसी नोटिस में आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो कमिटी बनी थी उस कमिटी ने ये रिकमेंड भी कर दिया, क्योंकि 16/10/2023 से पहले ही इसे रिकमेंड करना था कि जो फर्स्ट फेज जो होता है उसे आरआरबी कंडक्ट करवाएगा या फिर आरपीएफ। तो इसी के बेसिस पे आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है अभी वो एकदम से करेक्ट दी गई है, और आप सभी को फिर बोल रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अगर आपको एग्जैक्ट 100% करेक्ट सूचना चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, बाकी का ट्रस्ट करना ना करना आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको कोई भी गलत सूचना नहीं दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।